जा चुके हैं मैसूर पैलेस, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इसके अगर हिस्ट्री की बात करें या ये किस जगह पे है, तो वो सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेंगी। तो अगर इस पैलेस की बात करें तो ये पैलेस कर्नाटक राज्य के मैसूर ज़िले में है, और इसके अंदर का ब्लॉक जो है आपको, जो इसके अंदर की खूबसूरती है वो आपको इसी के ब्लॉक में आगे देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। रेड कलर में कुछ गुम्बद देख पा रहे हैं, वो देखिए कि उस हाइट पे उस जब ये कंस्ट्रक्शन हुआ था 1912 में, तब उस जगह पहुंचाने के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी। हाँ, मैसूर पैलेस में एंट्री के लिए टोटल 3 गेट हैं, जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। इस गेट को वराह गेट बोलते हैं। इसके अलावा एक दूसरा गेट है जिसको आंजनेया स्वामी टेंपल के टेंपल गेट बोलते हैं, और तीसरा जो गेट है वो मेन गेट है। वराह गेट के एंट्रेंस पे आप ये एक वाटरफॉल देख सकते हैं, छोटा सा वाटरफॉल बनाया गया है यहाँ पे। और अगर टिकट प्राइस की बात की जाए तो एडल्ट हैं जो मेन हैं उनके लिए 100 रुपीज़ का टिकट है, चिल्ड्रेंस के लिए 50 रुपीज़, और जो स्टूडेंट आते हैं मतलब स्टडी टूर वाले, उनके लिए जो टिकट प्राइस है वो 30 रुपीज़ है। तो इस तरीके का टिकट प्राइस है मैसूर पैलेस में एंट्री के लिए। एंट्री गेट से जैसे ही अंदर आते हैं तो वहाँ पे एक स्कैनिंग बैग का काउंटर है, यहाँ पे आपको बैग स्कैन करवाना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ड्रोन कैमरा को मना किया गया है कि आप यहाँ पे ड्रोन कैमरा नहीं चला सकते। मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप किस तरीके का गार्डन बनाया गया है यहाँ पे, और हमेशा यहाँ पे इस तरीके के फूल आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। इसका यहाँ के गेट पे कुछ इस तरीके के दो टाइगर के या लेपर्ड के स्कल्पचर बने हुए हैं, जो आप इसमें देख पा रहे हैं। और आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जूता चप्पल जो भी है यहाँ पे रखे जाते हैं। ये एक भारत का ऐसा पैलेस है जहाँ पे आपको जूता चप्पल बाहर ही रखना पड़ता है, और उसका बाकायदा अच्छे से व्यवस्था भी की गई है। आपको टोकन नंबर वगैरह सारा कुछ मिलता है, और टोकन के साथ ही आपको बैग भी मिलता है। और ये एक ऐसा पैलेस है जहाँ पे आपको नंगे पैर ही अंदर जाना पड़ेगा, आपको बगैर जूता और चप्पल के ही। चलो, जूते या चप्पल रखने का है वहाँ पे 2 रुपए पर पेयर के हिसाब से चार्जेस लेते हैं। और शूज रखने का जो मतलब काउंटर है जहाँ से आपको स्लिप वगैरह देखने को मिलती है, वो 1 नंबर और 2 नंबर काउंटर से मिलेगी। और जूते जो जमा होते हैं वो आपको 3, 4, 5, उसके आगे आई थिंक 8, 9, 10 काउंटर हैं जहाँ पे आपके जूते को जमा किया जाता है। और उसके साथ ही आपको एक स्लिप भी देखने को मिलती है जिसपे कि उसका नंबर लिखा रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं मेरे स्लिप पे 493 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ के जो भी शूज सिस्टम है रखने का, उस तरह से मैनेज किया जाता है। और शूज के बगल से ही आपको अंदर जाने का एक गेट मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ है पैलेस एंट्री। और सब जैसे ही आप एंटर करते हैं, सबसे पहले फ्लोर को आपको इस तरीके की डिजाइन देखने को मिल जाएगी। ऊपर लिखा हुआ है एंट्रेंस इंग्लिश में और हिंदी में।
साथ कन्नड़ भाषा में भी लिखा हुआ है। और गेट से एंट्री करते ही सबसे पहले आप सामने ही जो पैलेस बना हुआ है उसका एक लकड़ी का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ ही यहाँ पे चामुंडी माँ का भी एक मतलब फोटो बना के रखा गया है। और ये सामने ही देख पा रहे हैं कि डॉल्स दी हुई हैं। सामने ही गणेश जी का ये पूजा मंडप दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। ये देखिए गिलास लगा हुआ है, उसकी वजह से ये सामने का रिफ्लेक्शन आ रहा है, नहीं तो ये काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और यहाँ पे भी आप सामने देख सकते हैं कि गणेश जी की जो फ़ोटो लगी हुई है उनके साथ बजरंगी बाबा हैं और नंदी बाबा और गुरुदत्त महाराज जी हैं इस तरीके से। और आप ऊपर की भी नक्काशी देख सकते हैं कि किस तरीके से की गई है, सोचिए कितना सुंदर बनाया गया है इस नक्काशी को। कल्याण मंडप है जिसको हम शादी का मंडप भी बोलते हैं। ये देखिए किस तरीके से डेकोरेट किया गया है और जिस तरीके का इसका कलर सेंस है, कलर पेंटिंग है। उसके साथ ही आप ऊपर जो ये गोल्डन कलर देख पा रहे हैं, ये वाला ये प्योर सोने का है, जो गोल्ड बोलते हैं, ये गोल्ड से बना हुआ है। और ये राजा का जो सीट है जिस पर राजा बैठते हैं, राजा का आसन बोलते हैं, तो ये कुछ दशहरे के टाइम में इस तरीके से यहाँ पर सजावट होती है जब राजा की सवारी निकलती है दशहरे के समय पे, तो उस समय यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा रहता है। और ये मतलब महारानी जी हैं, उनका फोटो है जो नीचे नाम लिखा हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं लकड़ी से बने हुए जो स्ट्रक्चर यहाँ रखे हुए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, और उनका नाम भी लिखा हुआ है और नीचे भी आप देख सकते हैं ये। और सबसे पहले आपने लकड़ी के कुछ स्ट्रक्चर देखे, और उसके साथ ही अभी चांदी से बने हुए जो स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर सिल्वर कोटेड है या प्योर सिल्वर से बने हुए हैं।
और यहाँ की अगर नक्काशी और कारीगरी की बात की जाए तो वो एक नंबर देखने को मिलती है। हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर बैठ के अभी आराम कर लेते हैं, और यहाँ पर काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है और बाहर थोड़ा मौसम गर्म है, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं। कुछ 5-10 मिनट आराम करेंगे, उसके बाद फिर से अपना वीडियो बनाना चालू करेंगे। और मेरे पीछे आप जो ये तोप देख पा रहे हैं, इनका यूज बेसिकली सलामी देने के लिए किया जाता था, क्योंकि ये काफ़ी छोटी तोपें हैं और इनका यूज कभी वॉर में नहीं किया गया या लड़ाई में नहीं किया गया। और अभी जो प्रेजेंट समय में मैसूर पैलेस में ये जो तोपें रखी गई हैं, इनका यूज मैसूर में जो दशहरा मनता है, स्पेशली 10 दिन के लिए, 9 दिन नौ दुर्गा और उसके बाद एक दशहरे का दिन आता है, उस दिन यहाँ के राजा की जो सवारी है उस दिन निकलती है और उसी दिन इन तोपों से सलामी दी जाती है। और इसका जो वजन है तो वो कुछ 750 केजी का है और ये पूरा प्योर गोल्ड से बना हुआ है। इसको हाथी के ऊपर रखा जाता है, उसके ऊपर यहाँ पे जो चामुंडी माता है उनकी सवारी निकाली जाती है दशहरे के समय पे। दरबारी खास है, खास लोग ही यहाँ पे आते थे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो भी आपको गोल्डन कलर की जो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह दिखाई दे रहा है तो ये प्योर गोल्ड है, इसको प्योर गोल्ड बोलते हैं। Thank you.
और सामने जो आप पोशाक देख पा रहे हैं ये जो एलिफेंट है हाथियों की पोशाक है और स्पेशली इनका दशहरे में जो जंबो सवारी निकलती है या अंबारी से अंबारी सवारी निकलती है उसके लिए इन सब का यूज किया जाता है। और कितने ही सुंदर तरीके से आप इनको सजावट के साथ यहाँ पे शोकेस किया गया है वो आप देख रहे हैं। और हमारा आज का मैसूर पैलेस देखना हो गया है। मैसूर पैलेस के अंदर मतलब बोल सकते हैं मैसूर पैलेस जो है उसके अंदर की जो डेकोरेशन है या उसके अंदर की जो कारीगरी है उसको जिस तरीके से बनाया गया है वो इतना खूबसूरत है। लाइट बंद कर रहा हूँ जब पर आ रही है।